क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, उसमें डार्विनिज्म पढ़ लिए थे ना, और एक ह्यूगो डिवरीज का एक उनका जो अपोजिट था हमारे पास थ्योरी, वो भी पढ़ लिए थे। सबको याद हुआ डार्विनिज्म का सीक्वेंस? चलो जी, लास्ट बेंच, डार्विनिज्म बताओ, सीक्वेंस सीक्वेंस बताओ डार्विनिज्म का। ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आगे अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ किसका? रिसोर्सेस यानी फूड का। आगे बताओ, चलो नेक्स्ट। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस दो तरह के हो सकता है, एक होता हो सकता है इंट्रा स्पीसीज और एक हो सकता है इंटर स्पीसीज, ठीक है। आगे बताओ क्या? नेचुरल सेलेक्शन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जिसको बोलते हैं स्पीसिएशन ना, अर्थमेटिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, रिसोर्स का अर्थमेटिक ग्रोथ, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ, दोनों को बताओ। इंट्रा मतलब इंटर स्पीसीज का मतलब कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का जो स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर स्पीसीज। उसमें फूड कैसा होगा बाबू? कॉमन होगा फॉर डिफरेंट स्पीसीज, है ना। यानी कुत्ता के लिए बोले थे और हमारे लिए क्या होगा? खाना सेम होगा ना। चलो आगे क्या? हाँ, इंट्रा स्पीसीज मतलब सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद एडाप्टेशन होगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर कोई एडाप्ट कर गया तो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा ना हमारा यहाँ इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब कैसा फिटेस्ट? कौन सा फीट का बात करता है डार्विन? रिप्रोडक्टिव फीट का बात करता है ना। चलो आगे। नेचुरल सेलेक्शन मतलब नेचर तुमको सेलेक्ट कर लेगा अगर तुम रिप्रोडक्टिव फीट हो तो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तुम लोगों को रहेगा मेरे तरफ से, याद रखना। तुम लोग याद करो अभी या ना करो, एग्जाम में तो देंगे। नेक्स्ट, ह्यूगो डिवरीज बताओ, उसका ऑपोजिट बताओ क्या था। पहले ये बताओ कि उसका थ्योरी को हम लोग कौन सा थ्योरी बोलते थे? और दूसरा नाम साल्टेशन थ्योरी, ठीक है। आगे बताओ, और बताओ बाबू, किस पे किया था बाबू? कौन से पौधे पे किया था ह्यूगो डिवरीज एक्सपेरिमेंट अपना? इवनिंग प्राइम रोज, है ना, यही था ना। डार्विनिज्म का तुम शॉर्ट में बताओ क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्या वो दिया था? देखना नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर देख के बात करो। डायरेक्शनल, और क्या क्या बोली? स्लो और मैनर। मैनर कहाँ लिखवाए हम? मैनर की माइनर, माइनर छोटा, ठीक है। मैनर नहीं बोलते उसको, माइनर बोलते हैं, ठीक है। चलो, रैंडम होता है, पटक देंगे। डार्विन को तुम ह्यूगो ड्यूरिस बना देगी, किसके अपोजिट? म्यूटेशन वेरिएशन जस्ट अपोजिट, क्या क्या बोल रही है तुम? चलो दो की कॉन्सेप्ट बताओ क्या था। हाँ यही था, लाओ जी डंटा उंटा है। टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ब्रांचिंग सेलेक्शन का एकदम सबको तुम घुसा दो एक ही में। नेचुरल सेलेक्शन उधर उठा लो और उधर से ब्रांचिंग उठा लो, ब्रांचिंग सेलेक्शन। तो अभी तुम क्या बोल रही थी? उसका ला आधा ले ली, नेचुरल सिलेक्शन वाला, ब्रांचिंग डिसेंट वाला आधा, दोनों को मिला करके बोल रही है। फिर उसमें आधा जो इससे बचा फिर उसको मैं बोल देना। चलो बैठो, चलो नेक्स्ट। पीछे तुम जी अभी याद करेगा खड़े खड़े, ठीक है। अभी इधर से जाएंगे तो तुमसे पूछेंगे। हाँ क्यों क्यों पूछेंगे वो? क्योंकि अभी रटे हैं तुरंत सर, फटाफट बोल देंगे सर।
क्या हम कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछे, अपनी आंसर दिए जा रही है, जो आता है आंसर सर हम बोल देते हैं, आप देख लीजिए उसके अनुसार क्वेश्चन हम बता दीजिएगा, यही ना। ह्यूगो ड्यूरिस का बताओ क्या बोला था वो, सबसे पहले उस थ्योरी का नाम बताओ, वो क्या बोले था और किस पे किया था एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीज बताओ। बोलो तुम थ्योरी का ही नाम बता दो, क्या नाम था थ्योरी का, ह्यूगो ड्यूरिस जो थ्योरी दिए थे अंकल, उस अंकल का थ्योरी का नाम क्या था। देखो इतना लोग अभी बोला है फिर भी तुमको थ्योरी का नाम याद नहीं हुआ, तो एग्जाम में क्या लिखेगी तुम, थ्योरी का ही नाम बताओ। चलो तुम क्या बता रही थी वही बता दो, तुमको जो आंसर याद है वही पूछते हैं, तुम क्या बता रही थी बताओ, गैमेटो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, किसका बाबू, हमारा या तुम्हारा, किसका पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन में हम लोग नहीं आते हैं, आते हैं तो हमारा तुम्हारा भी है ना, आगे बोलो। अर्थमेटिकल ग्रोथ, अच्छा किसका, रिसेसिव का, अच्छा अभी हम लोग वेरिएशन वाला वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेंडल वाला, ठीक है, रिसेसिव का अर्थमेटिक ग्रोथ, आगे बताओ, रिसोर्स का, अच्छा ठीक है, अच्छा है अच्छा है, आगे बोलो, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका मतलब क्या होता है बाबू, चलो तुम बता दो पूरा कर दो, हाँ यही वाला सर, खुश हो गए कि तो रटे हैं सर बस खाली पूछिए ना आप, धड़ाधड़ बोलेंगे, चलिए बोलिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ पॉपुलेशन का होगा, फूड रिसोर्स का अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें दो होगा, इंटरस्पीसीज इंटरस्पीसीज, चलो हम बोल दिए तुम्हारी तरफ से, आगे बोलो, वेरिएशन होगा, चलो आगे, एडेप्टेशन होगा, आगे फिर से स्ट्रगल करा देगी बेचारा, एक बार तो स्ट्रगल कर लिया ना ऊपर में, फिर से स्ट्रगल कराएगी, सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, मतलब कैसा है फीट, फीट रिप्रोडक्टिव फीट होना चाहिए, उसके बाद नेचुरल सेलेक्शन होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसको क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन। चलो बैठ जाओ, बताओ तुम ह्यूगो ड्यूरिस बताओ, उनका थ्योरी का नाम बताओ, हाँ साल्टेशन थ्योरी, और एक और म्यूटेशन थ्योरी, हाँ किस पे किए थे, प्राइमरी, हाँ इवनिंग प्राइमरी रोज, प्राइम रोज क्या बोलते हैं उसको, प्राइम रोज, आगे क्या होता है, स्लो होता है, ह्यूगो ड्यूरिस आ गया ना यहाँ बाबू, क्या होता है, सडन होता है, हाँ और रैंडम होता है, और डायरेक्शन लेस होता है, और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसको हम लोग साल्टेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो तुम क्या बताएगी, तुम डार्विन का बता दो फीचर, क्या क्या वो दिया था सिंबल में, जो तुम्हारा हम लिखवाए थे, तुम्हारा क्या बोलते हो शॉर्ट में लिखवाए थे, क्या क्या वो दिया है, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, क्या बोलो, ब्रांचिंग डिसेंट एंड तुम्हारा होता है नेचुरल सेलेक्शन, याद रहेगा ब्रांचिंग डिसेंट एंड, ये तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए, अगर कभी भी डार्विन अगर पूछे तो एटलीस्ट तुमको ये चीज तो आना चाहिए कि दो की कॉन्सेप्ट क्या था डार्विन का, ब्रांचिंग डिसेंट एंड तुम्हारा नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है याद रहेगा। चलो बैठ जाओ, चलो जी तुमको याद हुआ, बोलो कुछ भी जो भी याद हुआ बोलो, दो लाइन को एक ही में क्या घुसा रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोलोगे, हाँ अब बोलो अगला, रिसोर्स उसके पहले बताएगा क्या ग्रोथ, कौन सा, आर्थमेटिक ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, क्या बोलेगा, ठीक है आगे बोलो, बोलो चलो ठीक है बैठ जाओ। देखो अब हम लोग एक नया थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि मॉडर्न थ्योरी है, जिसको लोग एक्सेप्ट किया, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे सारा इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ रहे थे ना,
क्या क्या था तुम्हारा, बहुत सारा, जितने भी पढ़े, जैसे डार्विन का ही पढ़े, ह्यूगो डिवरीज का ही पढ़े, और पीछे क्या क्या पढ़े बताओ, इवोल्यूशन का तुम्हारा वो पढ़े कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, या तो वेस्टिजियल ऑर्गन जितना भी था, या तो फिर तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक था। ये सब क्या होता है कि एक तुम्हारा इवोल्यूशन के थ्योरीज में आता है कि सब अपना अपना बताया था। जैसे लेमार्क थ्योरी, लेमार्क थ्योरी बताए थे ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो पेरेंट्स अपने आप एक्वाइर्ड करता है कैरेक्टर को, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास हो जाता है, ठीक है, ये उसका कहना था। तो इस तरह का थ्योरी आते गया तो हम लोग एक लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और एक लास्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था, हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम, ये दो साइंटिस्ट थे ना, ये लोग क्या बताए थे कि इन लोगों का कहना था ना कि हमारा जो एलील होता है, जीन पूल होता है, जीन पूल का मतलब समझो, जैसे कि क्या हुआ, तुम्हारे में जीन प्रेजेंट है अभी, है ना, तुम्हारे में जो जीन प्रेजेंट है वो तो कांस्टेंट हो गया, अब किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा, ना ही फेस में चेंज आएगा, ना ही स्किन में चेंज हो जाएगा। अगर कोई गोरा है तो गोरा ही रहेगा, अब भले धूप में दिन भर खड़ा है तो काला हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जैसा था वो पहले फिर आ जाएगा, गोरा हो जाएगा, ठीक है, यानी स्किन सबका कांस्टेंट हो गया है कि जो जैसा वैसा रहेगा, सबका आईज जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें बोलता ये है कि जो जीन तुम्हारे में प्रेजेंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे हमारे में जो जीन आ गया इस तरह बात करने का, है ना, या ऐसा तुम्हारा अपीयरेंस जैसा देख रहे हो तुम मेरा, ये जीन का ही कमाल है, ठीक है, जीन के वजह से मेरा ऐसा अपीयरेंस है, ऐसा एक्टिविटी है, सबका काम कर रहा है, तो अभी हमारे में कांस्टेंट है। अब ऐसा होगा क्या कि अचानक से मेरे में चेंज आ जाएगा, नहीं, जीन में चेंज नहीं आएगा, अब जैसे हैं वैसे हैं। तो इनका ये कहना था बाबू कि हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम मतलब है कि एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक उसका जीन पूल जो है, एलील जो है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो। अगर हम इस लड़की में जो जीन पहले देखे हम शुरू में वही है, ठीक है, अगर इसमें चेंज नहीं आता है तो इसका इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए ये, ठीक है, हम बताएंगे पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वन। इसमें यह बताएं कि जीन का एक फ्रीक्वेंसी होता है, अगर एक आदमी में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज करो तुम्हारे हमारे मम्मी पापा में कुछ फ्रीक्वेंसी 10 होगा, सपोज करो जीन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10 होगा मान लो। अब क्या हुआ कि हमारे में, मतलब कि जो मम्मी पापा जो हैं, उसके बाद हमारे में क्या हुआ, जीन का फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 हो गया। पापा मम्मी में कितना था, 10 था, मेरे में कितना हो गया, 9 हो गया वो फ्रीक्वेंसी, किसका, जीन का बात कर रहे हम लोग, है ना, वो ध्यान रखना कि हम लोग का फ्रीक्वेंसी 9 हो गया, मतलब चेंज आया, मम्मी का फ्रीक्वेंसी और मेरे फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, आया, इसका मतलब हमारे में वेरिएशन होगा थोड़ा सा, हम अलग दिखेंगे मम्मी पापा से, थोड़ा सा दिखेंगे ना, तो ये फ्रीक्वेंसी का कमाल है, वो एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिए। अगर मम्मी पापा का जो फ्रीक्वेंसी है जीन का, उससे अगर तुम्हारा हमारे में अलग होता है, कुछ कांस्टेंट नहीं होता है, अगर 10 रहा मम्मी पापा का और हम लोग का भी 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी मेरा भी 10 हो गया, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमारे में वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, समझे किस टर्म का बात कर रही है। तो एक बताया कि एकदम कैलकुलेटेड मेथड बताया, जैसे अभी हम लोग एकदम हवा वाला बात कर रहे थे कि मम्मी पापा से जब हम लोग होते हैं तो हम लोग में वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा सा अलग दिखते हैं मम्मी पापा से हम लोग, तो ये वर्बल बात हुआ ना, ये तो कहने की बात हुई। अगर तुमको कोई प्रूफ करना होता ना, जैसे मैथ में अगर किसी चीज बोल दो तुम कि माना कि x बराबर 2, तो वो माने हो तुम, अल्टीमेटली उसको प्रूफ किया जाता है लास्ट में कि हाँ x बराबर
दो आता है इस क्वेश्चन के आंसर में, है ना। तो उसी तरह से है, हम लोग बोल दिए कि हम लोग में वेरिएशन आता है, लेकिन एग्जैक्ट को कैलकुलेट करके बताएगा तब तो कि हाँ सही में देखो ऐसे हम लोग में वेरिएशन आया है, क्योंकि ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। मम्मी पापा में फ्रीक्वेंसी 10 था, हमारे में कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि कुछ तो चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी में। हो सकता है ये 11 भी हो सकता है, हो सकता है ना 12 भी हो सकता है। और जितना ज्यादा डेविएट करेगा, अगर 10 है तो हमारे में 17 हो गया, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आया। किसी में 11 ही हुआ तो उसमें बहुत कम डिफरेंस आया। जिसमें ज्यादा डिफरेंस आया उसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वो उसका इवोल्यूशन जल्दी होगा, ठीक है। तो ये क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था एक लार्ज पॉपुलेशन पे, है ना तुम्हारा। उसके देखो एक दो को हम लोग उठा ले एक्सपेरिमेंट के लिए तो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हो सके उसी में केवल चेंज आ रहा हो, सारा पॉपुलेशन में नहीं चेंज आ रहा होगा, तो उसके लिए क्या करना, हमको बड़ा पॉपुलेशन उठाना होगा ना, तभी तो हम लोग सारे पे मतलब मान लिया जाए कि अभी इतने बच्चे हो यहां, सपोज करो 30 बच्चे हो, मान लिया कोई आया रैंडमली दो को उठा के ले गया और वो टेस्ट किया तुम लोग को बायोलॉजी अच्छे से आता है कि नहीं, तो शायद वो दो लोग को ऐसा लोग को लेगा जिसको कुछ नहीं याद होगा बायोलॉजी, हो सकता है ना। तो वो तो ये कह देगा कि पूरा क्लास को बायोलॉजी नहीं आता है, लेकिन क्या ये सही है ऐसे करना, नहीं ना। उसको कम से कम 4-5 उठा करके रैंडमली लेना चाहिए, थोड़ा लार्ज पॉपुलेशन लेना चाहिए, ताकि उसमें 2-3 ऐसा भी निकल जाए जिसको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आता है और किसी को नहीं भी आता है, तो वो बता पाएगा तुमको कि हाँ मतलब बायोलॉजी आता भी है यहां लोगों को और नहीं भी आता, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सके कोई 2 तेज लोग को ही उठा के ले गया वो गलती से, अब बोल दिया कि सबको आता है यहां बायोलॉजी, बहुत अच्छे से आता है बायोलॉजी सबको, इसका मतलब तो जो वीक है वो तो वीक रह जाएगा, क्योंकि वो कभी बोल नहीं पाएगा कि यहां वीक बच्चे भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिफरेंस उठाया है 2 तेज बच्चे का। तो ऐसे कभी भी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे 2 और 3 उठा करके। इसीलिए हम लोग का होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को सैंपल लेते हैं, है ना, ताकि हमको खराब अच्छा दोनों देख पाए, वेरिएशन अच्छे से देख पाए सब में, तब हम लोग जाकर के बोलेंगे कि हाँ पूरे पॉपुलेशन में ये तुम्हारा इसको इस रिजल्ट को वैलिड कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। तो इसमें था तुम्हारा इन ये बोला था हार्डी विनवर लार्ज रैंडमली। अब ये ऐसा हुआ कि हम क्या कराई बाबू, मेटिंग करवाता था, जैसे रिप्रोडक्शन कराएंगे तभी तो वेरिएशन आएगा, तभी तो पता चलेगा कि मम्मी पापा वाला से मेरे में डिफरेंट हुआ है कि नहीं, क्यों हुआ, क्योंकि मम्मी पापा का रिप्रोडक्शन हुआ होगा तभी तो हमारे में चेंज आया, तो वही हुआ। तो हम लोग अगर मेटिंग करवाते हैं, अगर रिप्रोडक्शन करवाते हैं, वो भी अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक के पास करवाएं, तो हो सकता है उसमें 11 ही हो और किसी किसी में 17 और 18 भी होता होगा, होता होगा नहीं, तो हम लोग 11 वाला ही रिफरेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई सेलेक्टेड लोगों को हम लोग मीटिंग करवा दे तो रिप्रोडक्शन करवा दे तो, और ये हम लोग को थ्योरी में लिखना होगा कि नहीं जब भी हम लोग मीटिंग कराते हैं तो कितना का चेंज आता है, 11 हो जाता है, मम्मी पापा में 10 रहता है तो हमारे में 11 हो जाता है, ऐसा कहना होगा ना, अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक को उठा के करें तो। लेकिन अगर रैंडमली मीटिंग कराएं, बहुत सारा पॉपुलेशन उठाए और सबको रिप्रोडक्शन रैंडमली कराए, ठीक है, तो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा, किसी में 11 देखने को मिलेगा, किसी में 18 देखने को मिलेगा, किसी में 12 देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और ये रिजल्ट वैलिड भी होगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि सबको हम लोग मौका दिए हैं रिप्रोडक्शन और मेटिंग करवाने का, तो यही रिजल्ट होगा। अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आएगा। तो लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जीन पूल फिक्स्ड और कांस्टेंट, ठीक है। इनका पहला कहना था कि हम क्या कराएंगे, लार्ज इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जीन पूल, हाँ ठीक है, इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जीन पूल हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा या कांस्टेंट होगा। अगर यह चीज हुआ, इनका यह कहना था कि हम एक लार्ज पॉपुलेशन उठाए बाबू, इस लार्ज पॉपुलेशन को उठा करके क्या किए, उसका हम लोग रैंडमली मेटिंग करवाएं, मतलब रिप्रोडक्शन कराएं।
अगर उसका जीन पूल एंड तुम्हारा जीन पूल जो है या तो फिक्स्ड या तो क्या हो कांस्टेंट हुआ, तो हम क्या बताएं कि अगर मम्मी पापा मेटिंग किए और हम उनमें फ्रीक्वेंसी कितना था 10 था, तुम्हारे में भी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए 10 हो जाए सपोज करो, तो वेरिएशन आया क्या? नहीं। तो अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो यहां पे क्या होगा? नो वेरिएशन। वेरिएशन होगा क्या? नहीं। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन होगा क्या? नो इवोल्यूशन। बात को समझे, एक रैंडमली पॉपुलेशन उठा लिया हम लोग, मेटिंग भी करवा दिए, लेकिन क्या देखे उसका जो जीन पूल है वो कांस्टेंट है या फिक्स्ड है, तो क्या हुआ उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर वेरिएशन नहीं आया तो तुम्हारा इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये एक पैरामीटर सेट किए कि अगर जीन पूल कांस्टेंट रह गया तो इवोल्यूशन नहीं होता है। अब ये दिखाएंगे वेरिएशन करा के, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज करा के, अब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो इवोल्यूशन होगा। पहले ये मान लिए, ये जैसे होता है ना कि अगर ये ब्लैक पेन है सपोज करो, अगर ये ब्लैक पेन रहा तो इस स्क्रीन में चलेगा, सपोज करो अगर ये ब्लैक रहा तो इस स्क्रीन में चलेगा, पहले हम ये कांस्टेंट कर लिए, सबको ये बता दिए, तो सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा हम ब्लैक पेन देखेंगे इसका मतलब वो स्क्रीन में चलता है। अगर अब इसके जगह पे हम लोग ब्लू पेन लाए तो तुम लोग आसानी से नहीं बता दोगे कि सर स्क्रीन में नहीं चलेगा, ये बता दोगे ना? हम ये फिक्स कर दिए कि ये ब्लैक पेन ही केवल किस में चलता है? स्क्रीन में चलता है। अब हम इसके जगह पे अगर ब्लू पेन लाएंगे तुम लोग के पास तो तुम लोग आसानी से बता दोगे ना कि सर ये जो ब्लू पेन है वो स्क्रीन में नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बता दिया कि ये कांस्टेंट है या फिक्स्ड है तो वेरिएशन नहीं होगा। अगर इसमें अब हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा तो आसानी से नहीं बोल देंगे कि सर इवोल्यूशन यहां होगा, बोलेंगे कि नहीं? तो पहले ये सेट किया पैरामीटर कि जीन पूल फिक्स्ड होगा या कांस्टेंट होगा। अब अगर इसमें हमको चेंज दिखा तो हार्डी वीनमर क्या हम ही बता देंगे, हम ही लोग देख के बता देंगे सर इसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि सर ये फिक्स्ड जीन पूल फिक्स्ड यहां नहीं है, है ना? मान लिया यहां, यहां लिख लो पेरेंट्स का जो था तुम्हारा वो फ्रीक्वेंसी कितना था 10 था, ऑफ स्प्रिंग में भी फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, यानी कि ये तुम्हारा जीन पूल कांस्टेंट है, या तो बोलते हैं इसको एलील कांस्टेंट है। एलील पता है तुम लोगों को कि इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन, है ना? डिफरेंट टाइप करेक्टर ऑफ ए सेम जीन, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या है ये पूरा जीन है दोनों मिला दे तो, लेकिन अगर हम लोग एक को उठा दे तो ये क्या है तुम्हारा एलील है ना, तो ये स्मॉल का कैरेक्टर है और ये लार्ज का कैरेक्टर है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल को एलील बोलते हैं, लेकिन दोनों को मिला दे तो जीन बोलते हैं, पता है ये सबको, है ना? तो ये एलील भी अगर कांस्टेंट रहे, जैसे कि हमारा स्मॉल टी कैपिटल टी अगर जहां भी जाएगा सपोज करो, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा लार्ज होगा, होगा नहीं? क्योंकि ये डोमिनेंट होता है ना, तो इंडिविजुअल लार्ज होगा। यही अगर हम इसको कांस्टेंट ना रख करके, एलील को कांस्टेंट ना रख करके, कांस्टेंट एलील का मतलब बोल रहा है कि कैपिटल टी के साथ हमेशा क्या स्मॉल टी, ये कांस्टेंट रह गया, अगर पेरेंट्स में भी यही है और ऑफस्प्रिंग में भी यही आ गया तो दोनों का दोनों लंबा होगा, पेरेंट्स भी लंबा होगा और ऑफस्प्रिंग भी लंबा होगा। लेकिन इसी कांस्टेंट को ना रख करके हम लोग ये कर दे, हमारे पापा फादर और मदर में ये था, है ना, लेकिन हम लोग में क्या आ गया ये आ गया, तो हम लोग छोटा हो गए कि नहीं? एलील कांस्टेंट है यहां, एलील कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि यहां कैपिटल टी है स्मॉल टी है और यहां पे क्या है मेरा स्मॉल टी है स्मॉल टी, तो इससे देख के नहीं बता सकते कि वेरिएशन हुआ है, बता सकते ना देख के कि वेरिएशन हुआ है? तो यही हुआ, एलील कांस्टेंट नहीं है मतलब वेरिएशन हुआ। यहां पेरेंट्स हमारे क्या है लॉन्ग है और हम लोग क्या है शॉर्ट है, यानी वेरिएशन आया, खराब आया या अच्छा आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएशन आया ना,
तो एलील कांस्टेंट नहीं रहा तब वेरिएशन आया। अगर यही एलील कांस्टेंट रह जाता कैपिटल टी स्मॉल टी कोई वेरिएशन देखने को मिलता नहीं। तो जीन बोलो या एलील बोलो, है ना, दोनों फिक्स्ड और कांस्टेंट रहा तो किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अब ये जीन पूल कब कांस्टेंट रहेगा वो हम लोग बताएंगे, है ना। इसको लिखो, इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझते हो ना बाबू, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बराबर, जो प्रोडक्ट है वही सबस्ट्रेट हो जाए, है ना, दोनों में कोई अलग ना हो तो उसको इक्विलिब्रियम। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम। थ्योरी का नाम समझे मतलब क्यों दिया, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट, पहले बताने का क्या कोशिश की है ये कि जीन पूल फिक्स्ड होता है कांस्टेंट होता है तो वेरिएशन इवोल्यूशन नहीं होता, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है। मम्मी पापा और हम लोग क्या हो गए फिर, इक्विलिब्रियम हो गए, क्योंकि जो मम्मी पापा हैं वो हम लोग हैं, बराबर हो गए, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं। तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो हॉस्पिटल आ सकते हो, ठीक है, हम वहां रहते हैं ना, यहाँ का जो सदर हॉस्पिटल है, अभी वो सदर नहीं है, वो शेख विकारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के अंदर में है, लेकिन पहले वो सदर था, ठीक है, शेख विकारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, अभी उसके अंडर में है, अभी हम लोग के अंडर में सदर आ गया है, ठीक है। अब जैसे हम लोग का अंदर में बन रहा है 500 बेड का हॉस्पिटल, ठीक है, पूरा जो सुपर स्पेशलिटी होगा, जो रिम्स है ना जैसे, उस टाइप से होगा यहाँ पे हजारीबाग में, तो हम लोग का अभी कंप्लीट हो रहा है, अभी लगभग बन गया है हॉस्पिटल अंदर में मेरा कैंपस में जहाँ हम रहते हैं, तो वो जैसा ही बनेगा उसे वैसे ही हम लोग सदर को छोड़ देंगे, फिर ये सदर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मेडिकल कॉलेज के अंदर में है, क्योंकि हम लोग का अपना हॉस्पिटल नहीं बना है, इसीलिए इसमें अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए सदर को तो पूरा बना दिया गया है, जाके देखोगे तो वो पहले वाला नहीं रहा, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है अंदर में, बहुत सारा डिपार्टमेंट बन गया है, हुआ आगे बढ़े। तो हम लोग क्या बोले कि ये, अब ये रैंडमली बता दे रहे हैं कि ये जीन पूल फिक्स्ड होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये इनका कहना ये है कि आखिर ये जीन पूल फिक्स्ड कब होगा या तो कांस्टेंट कब होगा, कुछ तो होगा ना पैरामीटर कि कब ये जीन पूल फिक्स्ड होगा, कब हमारे मम्मी पापा और हमारे में वेरिएशन नहीं आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होगा। इफ, इसको लिखो, जीन पूल कांस्टेंट एंड फिक्स्ड इफ, क्या बाबू, सबसे पहला इसके लिए फाइव फैक्टर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल है, फाइव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स्ड जीन पूल, ठीक है। सबसे फर्स्ट, नो म्यूटेशन, दूसरा नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा नो जीन फ्लो या माइग्रेशन, चौथा नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाइव नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक और तुम्हारा होता है नो नेचुरल सेलेक्शन। देखो यही फाइव की कॉन्सेप्ट होता है, बस केवल यही पढ़ना है उसमें, है ना, हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम में। देखो ये कहता क्या है बाबू कि कब तुम्हारा जीन पूल जो होगा वो कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा, कब होगा, हमारे में वेरिएशन कब नहीं आएगा, बोला ही फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है तब हमारे में वेरिएशन नहीं आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी कब चेंज नहीं होगा, किस कंडीशन में, याद करो जब हम पहला ही दिन बताए थे कि अगर म्यूटेशन हो जाए किसी में तो क्या होता है, वेरिएशन आने लगता है ना, जितना भी इवोल्यूशन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, म्यूटेशन के कारण। ह्यूगो डिवरीज भी तो यही बोल रहा था ना कि म्यूटेशन होता है तो हमारे में चेंज आता है, चेंज आने से इवोल्यूशन होता है, लेकिन उनका यही कहना था कि सडन होता है,
अचानक से म्यूटेशन हुआ और हमारे में क्या आ गया, चेंज आ गया, अचानक से पॉलीफेरा से मैमल बन गए हम लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वही स्लो म्यूटेशन का बात कौन किया था, डार्विन। डार्विन बोला था कि स्लो म्यूटेशन होते रहता है धीरे धीरे धीरे, तो हम लोग चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे, है ना। पहला तो ये समझ गए कि म्यूटेशन अगर नहीं हुआ तो वेरिएशन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, जीन पूल कॉन्स्टेंट होगा म्यूटेशन अगर नहीं हुआ तो, पहला। दूसरा, किसी भी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद करो कि हम लोग जो दो होता था, जब तुम लोग देखते होगे ये दो क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। याद करो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़े थे, है ना, तो दो क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम में क्या था तुम्हारा बाबू, कि ये और ये जो था ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस करता था ना, क्रॉस करता था, जिसको हम लोग पैकेटिन स्टेज बोलते थे, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन होता था, रिकॉम्बिनेस एंजाइम पाया जाता था पैकेटिन स्टेज में, जैगोटीन पैकोटीन लिप्टोटीन पढ़े हो गए थे ना तुम लोग, वो वाला। तो उसमें क्या होता था, ये अल्टीमेटली तुम्हारा इसका वाला इसमें आ जाता था, पता है, और एक तुम्हारा जो है वो इसमें चला जाता था, इसका वाला ना। तो ये इस तरह का क्या होता था कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था, इसको एक्स सेव काइजमाटा भी बोलते थे, जब ऐसे होता था, ठीक है, फिर डिसोल्यूशन हो जाता था, डिसोल्यूशन, तो फिर ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट बन जाता था, यानी कि ये तुम्हारे इसके पापा और मम्मी वाला का क्या होता था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता था, कैरेक्टर उल्टा पलटा होता था, तो तुम्हारे में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा ना, तभी तो आएगा। अगर तुम्हारा जीन तुम्हारा ही केवल रहे, इसमें ये वाला नहीं आए, तो किसी भी तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या, नहीं। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन बोलते थे ना, याद करो सेल डिवीजन में। ये कब होता है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल देखा जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा जीन पूल क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारा जीन पोल कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा, जीन फ्लो या माइग्रेशन। जीन फ्लो का यह मतलब हुआ बाबू कि तुम्हारे में मम्मी पापा वाला जीन सपोज आया ही नहीं, जीन माइग्रेट ही नहीं किया, ठीक है, जो कैरेक्टर तुम्हारे में देना था वो कैरेक्टर तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे में जीन फ्लो ही नहीं किया, तो क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जीन हमारे में फ्लो ही नहीं किया, आया ही नहीं वो जीन जिससे वेरिएशन होता था, तो भी हमारा जीन पूल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल कैलमिटी, मतलब कोई आपदा आया, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि तुम्हारा कुछ जीन जो है अचानक, मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कोई बाढ़ आया, बाढ़ आया तो बहुत लोग, सारे लोग बह गए, कुछ लोग बह करके कहीं और चले गए, ठीक है, कुछ लोग बह करके चार पांच लोग टापू पे चले गए, वो टापू पे चले गए जहां पे पिछड़ा जाति का लोग रहता था, वो तीर कमान चलाने वाला, हुलाला करने वाला, ठीक है, सपोज करो बाकी लोग यहां मर गया, लेकिन चार पांच लोग गलती से वो आइसलैंड में चले गए, वहां पे टापू पे चले गए जहां पे हुलाला वाला लोग रहता था, ठीक है, वो तीर कमान वाला लोग पहन के, यहाँ पे वो पत्ता होता पहन के, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब उसको वहां जिंदा रहना है, जो लोग बह के गया वहां चार पांच लोग, अब जिंदा रहना तो क्या उनके जैसा बनना होगा अल्टीमेटली उसको, क्योंकि आदमी जैसा तो वहां रहना नहीं, तुमको भी हुलाला करना होगा साथ में, ठीक है, तभी खाना मिलेगा कोई, तो क्या हुआ, चेंज आया, तुम उसके जैसा बन गए, तुम पहले क्या थे और जा करके क्या बनना पड़ा, तो चेंज आया तुम्हारे में, तो ये जीन का बात कर रहा है, यहां हम लोग आदमी से समझ रहे हैं, इसी तरह से जीन में होगा, ठीक है, कि अचानक तुम्हारा जो था जीन यहां वाला मर गया और अचानक हुलाला वाला जीन आ गया तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमको अपने आप को चेंज करना पड़ा, है ना, सरवाइव करने के लिए, तो उसके अगर इस तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो तब भी तुम्हारा जीन पूल क्या हो, कॉन्स्टेंट होगा, हुलाला नहीं बनना है, ठीक है, तब भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये कंडीशन समझे।
अब आते हैं नेचुरल सिलेक्शन पे, जो तुम लोगों को पहले से पता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आदमी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट हो गया रिप्रोडक्टिवली, उसको नेचर क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है ना। सेलेक्ट कर लिया मतलब क्या, वो उसमें वेरिएशन होगा, तभी तो सेलेक्ट किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पहले क्या था, वेरिएशन था, वेरिएशन के बाद अडेप्टेशन था, अडेप्टेशन के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, तभी तो उसको नेचुरल सेलेक्ट किया। अगर नेचर सेलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे में वेरिएशन आया है, तभी तो नेचर सेलेक्ट करेगा जा करके। तो यानी कि नेचुरल सेलेक्शन अगर वहां भी नहीं होना चाहिए, अगर नेचुरल सेलेक्शन हो रहा है मतलब वेरिएशन हो रहा है। अब नेचुरल सेलेक्शन नहीं होगा तो जीन पूल क्या होगा, होगा। ये पांच लाइन का मतलब समझे तुम लोग, और समझाएं, सबको समझ आया ये क्यों जीन पूल कॉन्स्टेंट रह रहा है। अगर ये पांच चीज नहीं हुआ तब जाकर के मेरा जीन पूल क्या होगा, अगर इसमें से एक भी चीज हो गया, एक भी चीज हो गया, तो जीन पूल कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। और जीन पूल कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो क्या आएगा, वेरिएशन, और वेरिएशन होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, क्या होगा, समझे इसका प्रिंसिपल का मतलब, यही था, इसको लिखो। ये भी पांचों लाइन तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ये सबको समझ आया, अभी बता दो क्योंकि बाद में हम पूछेंगे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, देखो बाय चांस ये है, एक तुम्हारा बाय चांस है ये, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई तुम्हारे नेचुरल कैलमिटी कुछ भी हुआ तुम्हारे, सपोज करो बोले ना बाढ़ आया, बाढ़ में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए, जहां तुम रह रहे हो वहां बहुत सारे लोग मर गए, कुछ लोग बचे दो तीन चार लोग, ठीक है। अब वो क्या हुआ तुम्हारा, बच करके क्या हुआ, तुम्हारा एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन बन गया, चार पांच लोग बचा तुम लोग, ठीक है, बाकी लोग बाढ़ से वहां मर गया। अब ये चार पांच लोग जो है वो कहीं और चला गया, ठीक है, चला गया, और क्या हुआ कि तुम्हारे चेंज आया, तुम लोग अब अपने अनुसार जीने लगा। सपोज करो कि तुम्हारे में केवल चेंजेज आया, नया स्पीसीज नहीं बना है, केवल चेंज आया। अगर तुम नया स्पीसीज बन गया उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। अगर सिर्फ चेंज आया है, तुम में वेरिएशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अगर एक छोटा सा पॉपुलेशन हुआ, तुम्हारा चेंज हो गया, अगर मान लीजिए जैसे तुम लोग 20 लोग थे कहीं एक जगह पे, अब मान लिया जाए कि बाढ़ आया, बाढ़ में क्या हुआ, तुम लोग पांच लोग बचे, ठीक है। अब ये पांच लोग कहीं चले गए टापू पे, आइसोलेटेड पॉपुलेशन तुम्हारा पांच लोग का ही था, अब पांच लोग जाकर के वहां, अब तुमको तो जहां रहते थे वहां तो बाढ़ आ गया, अब कहीं और जाकर के तुमको क्या करना, सरवाइव करना है, तो अब उस मतलब उस इन्वायरमेंट के अनुसार सरवाइव करना होगा। सपोज करो कि यहां पे पृथ्वी ही नहीं बचा, पानी बचा, और तुमको जीना है तो पानी में रहने वाला जीव की तरह जिंदा रहना होगा, उस तरह से डेवलप करना होगा अपने आप को, तभी तो तुम पानी में रह पाओगे। तो वही हुआ कि नेचुरल कैलमिटी आया, 20 लोग में तुम्हारा 15 लोग मर गया, तुम लोग पांच लोग गलती से बचा, अब ये पांच लोग को स्ट्रगल करना होगा वहां जिंदा रहने के लिए, क्योंकि पूरा बाढ़ में खत्म हो गया है। अब ये पांच लोग स्ट्रगल करके अपने आप को क्या किया, चेंज लाया, अपने अपने में क्या लाया, चेंज लाया इन्वायरमेंट के अनुसार, ना खाना था ना पानी था बाढ़ के कारण, लेकिन अपने आप को चेंज लाया, फल जो फल फूल है पौधा उधा को खा करके जिंदा रहना शुरू किया। सपोज करो तो क्या आएगा, चेंज आएगा ना तुम्हारे में, तो वो जो चेंज आया उस नेचुरल कैलमिटी यानी कि नेचुरल आपदा के कारण तुम्हारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, तुम्हारे जीन में थोड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि तुम अब पहले की तरह नहीं रहने लगे, ठीक है। अब तुम क्या हुआ कि सरवाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ा तुमको, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर यही क्या हुआ कि कुछ लोग यहां था, 20 लोग, अब यहां 20 लोग रह रहा है बाबू, सपोज करो यहां नॉर्मल पीपल था, अब पांच लोगों को मन किया कि हम चाइना जाएंगे, यहां पे हमको पसंद नहीं है इंडिया, ठीक है, हम जाएंगे कहां, चाइना। ये लोग चला गया, पांच लोग निकल करके, कितना लोग, पांच लोग निकल करके चला गया चाइना,
चाइना में रहने लगा। रहते रहते इसमें क्या हुआ कि पहले तो हम लोग जैसा ही रहेगा, चाइना जाए, दिल्ली जाए, रसिया जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रहेगा तो हमारे जैसा ही, क्योंकि हमारे पीछे क्या है। ऐसा होता है क्या चाइना जाते ही चाइनीज बन जाते हैं हम लोग? नहीं ना। और चाइनीज लोग और हमारे में डिफरेंस है कि नहीं? हमारा चेहरा और एक चाइनीज का चेहरा देखो, डिफरेंस है, चेंज आया बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई बच्चा भी देख के बता देता है, पापा ये चाइनीज है, ठीक है, और ये हमारा इंडियन है। तो क्या हुआ, कुछ लोग तो गया था पांच लोग रह के, मतलब चाइना में रहने के लिए, उन लोग धीरे धीरे वहीं का लड़की से शादी कर लिया, चाइनीज से, पांचों लोग, ठीक है। अब शादी कर लिया, अब एक जनरेशन में क्या हुआ तो मिक्स बच्चा होगा, आधा चाइनीज आधा इंडियन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका बच्चा लोग रिप्रोडक्शन करेगा, उसका बच्चा लोग रिप्रोडक्शन करेगा तो थोड़ा सा और चेंज आएगा, थोड़ा सा और चाइनीज जैसा दिखेगा, है ना। फिर उसका बच्चा लोग रिप्रोडक्शन करेगा तो एक टाइम आएगा जो पूरा चाइनीज बच्चा आएगा, आएगा कि नहीं, एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा चाइनीज पैदा हुआ है, समझ गया। तो वो क्या हुआ कि पूरा स्पीसीज ही चेंज हो गया, था यहां इंडियन, क्या बन गया। तो अब ये जो पांचों लोग का बच्चा का बच्चा का बच्चा जो आएगा हमारे साथ आएगा, हम लोग खड़ा है और वो खड़ा है, दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस होगा कि नहीं, क्योंकि ये बन गया क्या चाइनीज और हम लोग क्या है इंडियन। तो ये पांच लोग जो यहां से भागा था वहां जाकर के नया स्पीसीज बना दिया, वो लोग चाइनीज बना दिया, उन्हीं लोग ने बनाया चाइनीज अपने आप को। इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, कि एक स्मॉल पॉपुलेशन कहीं से निकल करके कहीं और चला गया, ठीक है, और जा करके वहां न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और यही क्या होता कि इस पे पॉपुलेशन के निकल के नहीं जाता, लेकिन यहाँ मजबूरी हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ पांच ही लोग बचा, इन लोग के पास मजबूरी है ना, पांच लोग को यहाँ से यहाँ जा करके तुम्हारा क्या अलग टापू पे रहना, क्योंकि वहां पे सब लोग मर गया है, वहां उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए अपने आप को चेंज करना पड़ा इन लोगों। तो इसको बोलते जेनेटिक ड्रिप। दोनों में डिफरेंस समझ आया? आया, यहां पांच लोग अपने मन से जा रहा है कि हम तुम लोग पास नहीं रहेंगे, हमको चाइनीज बनना है, समझे, जेनेटिक ड्रिप एंड फाउंडर इफेक्ट, तुम्हारा दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक ड्रिप को लिख लो, थोड़ा सा लिखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होता है, चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, जीन आर ड्रिप्टेड, चेंज इन एलील और जीन फ्रिक्वेंसी बाय चांस। चलो लिखो, आगे बढ़े। हाँ चल, हम लोग ये क्या देख रहे थे, फाउंडर इफेक्ट ना। फाउंडर इफेक्ट में बोलता है कि एक क्या है बाबू, स्मॉल पॉपुलेशन ना, इसमें लिखो स्मॉल पॉपुलेशन, इन स्मॉल पॉपुलेशन सम इंडिविजुअल सम मेंबर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर ड्रिफ्टेड टू न्यू प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। चलो आज इतना ही रहेगा ना, अभी हमको जाके क्वेश्चन भी सेट करना है।